شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ममन तब यहाँ बहसानिन इलाम्दीन अम्माबाग अल्लाह ताली का फ़क्रक्रम है कि अक़ीदे के इस दरस में हम शरीक हैं आज हमारे ये अक़ीदे और तोहीद की बुनियादी सवालात का ये आखिरी दरस है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात हमारे साथ आ चुके हैं तो एक सवाल हमारे साथ था फरिश्ते किसे कहते हैं और उनकी हकीक़त क्या है तो जैसे गुजा में हमने बताया कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्ते पैदा किए हैं लेकिन फ़रिश्ते एक ग़ैबी मखलूक़ हैं ग़ैबी मखलूक़ का मतलब है कि फ़रिश्ते आते हैं लेकिन दिखते हैं नहीं ये फरिश्ते क्या होते हैं दिखते नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो फरिश्ता सिफत होते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया मिनसलसालमिन हम इम मसनून खन खनाती मिट्टी से पैदा किया कभी अलग अलग सिफ़ात अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में बताए हैं और लेकिन फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से कहा कि हमने उन्हें नूर से पैदा किया खुले कतिल मिन नूर तो फरिश्तों की एक दूसरी ख़ासियत बताई कि ये फ़रिश्ते हमेशा अल्लाह ताला की इताअत और इबादत में लगे रहते हैं जैसे अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक फ़रिश्ते के ताल्लुक़ से पूछा कि ये फ़रिश्ता हँसता क्यों नहीं तो जिब्रील अमीर ने बताया कि जब से अल्लाह ने जहन्नम को पैदा किया है इस फरिश्ते को कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा इसलिए कि फ़रिश्ते अल्लाह से इतना ज़्यादा क्यों डरते थे इसलिए कि वो अल्लाह को ज़्यादा पहचानते थे जैसे हमने बहुत सारी हदीसों में आया कि अल्लाह का जब हुक्म आता है तो फ़रिश्ते बेहोश हो जाते हैं उसके बाद पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है तो फरिश्तों के ताल्लुक से कहा कि ये अल्लाह की कभी नाफ़रमानी नहीं करते हैं उनकी सरिश्त में उनकी तबीयत में अल्लाह ने नाफरमानी नहीं रखी है तो कभी हम लोग बोल देते हैं कि अब फरिश्ता जैसा इंसान नहीं हो सकता इंसान फरिश्ता जैसा नहीं हो सकता फ़रिश्तों की तबीयतें अलग हैं उनकी ख़ासियतें अलग हैं उनके काम अलग हैं इंसान तो गलती और खता का पुतला है इंसान अलग है लेकिन इंसान को अल्लाह ने मौका दिया है। मौका यह दिया कि आप अपने गुनाह बख्श लें मरने से पहले अपने गुनाह क्या कर लें माफ़ कर लें अल्लाह के नबी ने फ़रमाया मन अकल तो आमन जो सस खाना खाए खाना खाने के बाद दुआ करें अलहमद अल लदी वो अल्लाह जिसकी तारीफ़ है जिसने मुझे रिस्क खिलाया मिन गैर हौली मिन्नी वला कुह मेरी इसमें क्या भी मेहनत नहीं लगी तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देते हैं इनों खा को पेट भर लेकर दुआ करे तो गुना क्या हो जाते हैं बख्श दे जा मन असबल वज़ू जो आदमी वज़ू अच्छा करे और फिर दुआ पढ़े ला इरा वहदा शरीक अला अल्लाह ताला तब भी क्या करते हैं गुनाह बख्श देते हैं मन लबी सा बन जो आदमी कपड़े पहने कपड़े पहन के फिर दुआ करे अल्हदल्लाधी कसानी अल्लाह ताली गुनाह बख्श देते हैं देखा आपने जो आदमी अजान हो रही हो अजान के वक्त आदमी दुआ करे अजान का जवाब देते हो तब भी गुनाह क्या होते हैं बख्श देते हैं तो ये गुनाह बख्शवाने के रास्ते हैं जो आदमी अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर सकता है ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर गुनाह करते रहे गुनाह करने के बाद बाद में मर गए तो लोगों ने बोला कि किसी मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान पढ़ा दो गुनाह बख्श दिए जाएंगे ऐसी बात नहीं उसके बाद एक सवाल हमारे पास है कि फ़रिश्तों के नाम तो हम जानते हैं अगर किसी से भी हम पूछ लें तो जबरील मेकाइल इसराफील मलकुलमौत नार, मुनकर नकीर ये सब हदीस में हैं तो हम लोग जानते हैं तो उनके काम भी अलग हैं जबरील अल्लाह का पैगाम अम्ब्याई कराम तक लाते हैं जिसे हम वाहि कहते हैं मेकाइल अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते हैं अल्लाह ने हर चीज़ पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर कर दिए हैं यहाँ तक कि माँ के पेट में जो थैली होती है बच्चे की रहम उस पर भी अल्लाह ने फरिश्ता मुकर कर दिया जब माँ बाप शोहर और बीवी मिलते हैं तो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है कि ये किसी औलाद का ज़रिया बनाया जाए या ऐसे ही आम मुलाकात रखी जाए अल्लाह का जब हुक्म आता है तो तभी हमल करार पाता है तो इसराफ़ील क़ियामत के दिन सूर फूंकने का काम ये करते हैं और वो हाथ में लिए बैठे हैं कब अल्लाह का इशारा हो कि वो सूर फूकें देखा और हम हैं कि हम मगन हैं अपने कामों में आप अपने काम में मैं अपने काम में लेकिन अल्लाह का फरिश्ता इंतज़ार कर रहा है अल्लाह का हुकुम कब आए मलकुल मौत मलक के माने फरिश्ते के हैं मौत मलकुल मौत जान निकालने का फरिश्ता तो ये काम इसका है जान निकालना लेकिन अल्लाह ने इसको इतनी ताकत दी है इतनी परवाज दी है दुनिया के किसी कोने पर कोई मरता है तो उसकी जान भी यही निकालता है दूसरे किनारे पर कोई एक्सीडेंट हो कि कोई मरता है तो उसकी जान भी यही निकालता है और लख्त अगर हजारों आदमी धंस जाते हैं तो सबकी जान भी यही निकालता है एक चूटी और मच्छर भी मर जाती है तो उसकी जान भी यही निकालता है तो ये मलकुल मौत है उस फरिश्ते की क्या अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत उसे दी होगी जो मच्छर बैक्टीरिया हाँ बड़ा सा बड़ा हाथी बड़ा सा बड़ा जानवर इंसान कई इंसान कई जगह मरने वाले इंसान सारों की कौन निकालता है हाँ मलकुल मौत के कुछ क्या है नाइबीन है जैसे सना भाई के नाइबीन है आपके नाइबीन है वैसे क्या है असिस्टेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे तो इसीलिए हदीस में आता है कि मलकुल मौत आने से पहले कोई आदमी मरता है तो उसके नाइबीन पहले आकर जैसे किसी को ऑपरेशन होता है तो छोटे जो जूनियर डॉक्टर्स नर्स होते तो हैं वो क्या करते हैं पहले उसे प्रिपरेशन करते हैं तो कहा कि कफन ला लिया जाता है सारे काम हो जाते हैं तब मलकुल मौत की आमद होती है तो इतना तो है लेकिन सारों की रूह कौन निकालता है मलकुल मौत ही निकालता है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अल्लाह ताला, ताला ने इतनी कुदरत अल्लाह ताला, ताला ने आता फरमाई है फरिश्तों पर ईमान लाना अंतमिन बिल्ला व मलाईकती व कुतुबी भी व मलाईकते फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब होता है कि फरिश्ते हैं इसको हम माने फरिश्ते हैं उनके नामों यानी उनके नामों पर कैसे ईमान लाएंगे जिन नामों को अल्लाह ने बताया वो नाम तो आप जानते हैं जबरील कुल मन कान तो का नदूवल जबरील तो यहूदियों का आकदा अलग था वो लोग बाज़ फ़रिश्तों को ये कहते थे उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कर दिया फ़रिश्तों की सिफात फरिश्तों की जो क्वालिटीज़ हैं सिफ़ात हैं जो आदतें हैं कसलतें हैं अल्लाह ने अता फरमाए हैं उस पर हम ईमान लाएंगे फरिश्ते खाते हैं दलील क्या है इब्राहिम सलाम की तो उन्होंने भुना हुआ भुना हुआ वो बछड़ा लाकर पेश किया घी में तल कर तो वो लोग नहीं खाए पीछे हट गए तो मेहमान का खाना अगर नहीं खाया जाता है तो उसको थोड़ी सी डर लगता है ये लोग क्यों मेरे घर आकर खाना नहीं कहीं मुझे नुकसान पहुंचाने की नीयत सुनिए आए तो जब वो नहीं खाए तो उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं खाते हैं हम फरिश्ते हैं और उनके ववाइफ़ पर ईमान लाना उनकी जो ड्यूटीज हैं अल्लाह ने मुकर करे हैं उस पर ईमान लाना ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं तो एक बात और उन्होंने कहा कि फरिश्तों की बात और खसूसियात क्या हैं सिफात के माने हैं ख़ास उनकी बातें जो फरिश्तों की हैं तो पहली बात हमने पढ़ा कि फरिश्ते ग़ैबी होते हैं ग़ैबी के माने अनसिन उनको कोई देख नहीं सकता है लेकिन इतना तो होता है कि फरिश्तों के पर होते हैं पर के मतलब विंग्स फरिश्तों के पर होते हैं कितने पर होते हैं हमने कहा जैसे हदीसों में पढ़ा कि 600 पर फरिश्तों के हैं 600 पर फरिश्तों के हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों के पर पैदा किए हैं और अब हदीस में है आपको मानना पड़ेगा ये भी बताया गया कि आपकी ये मजलिस है आप भले चेयर पर बैठे हों लेकिन बैठे किस पर हैं फरिश्तों के पर पर बैठे हदीफ में हैं अब मुझे पर नज़र नहीं आता तो आपके सर का दर्द भी मुझे नज़र नहीं आता नहीं बहुत सारी चीज़ें हमको नज़र नहीं आती लेकिन हदीफ में है कि फ़रिश्तों के पर पर बैठे हैं हम उस पर ईमान लाते हैं इसलिए कि सदक़ मसदूक सल्ला वसलम ने कहा है वो अल्लाह के हुक्म से किसी भी इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर हो सकते हैं जब हम हदीस जबरील पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जबरीलियामीन किस किस शक्ल में आए थे कैसे आए थे माशाल्लाह, मैं एक साहब की शरह देख रहा था उन्होंने बहुत बहुत कहा कि उस्ताद के पास जब जाएँ तो बिल्कुल संवर धवर कर अच्छे कपड़े पहन के जाएं जैसे हदीस जबरील की शरह में बोले अल्लाह के नबी के पास जिब्रील आए हैं तो साफ़ सुथरे कपड़ों में आए तो उन्होंने उससे मसला इस्तेमाल किया कि आप इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं जैसे इमाम मालिक रम्ल ये इमाम अहमद ये जो अइम्मा थे जब दरस हदीस देते थे तो साफ सुथरे होकर आते थे बोला कि ये दरस हदीस है हदीस का दरस हम देते हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से कभी इंसानी शक्ल सूरत में भी वाहिर हो सकते हैं अल्लाह के फरिश्ते हैं कभी कैसे आते हैं इंसानी शक्ल सूरत में भी अल्लाह के फरिश्ते आ जाते हैं वो बाज़ इंसानी आदतों से पाक हैं इंसान की आदत है खाना फरिश्ते खाते नहीं हैं जैसे खाना पीना वगैरह तो वो जो, जो वो सुलेमान सलाम की वो आयत आयतम कौन से कौन से आयत है वो जालूत कौन से आयत है हारूत और मारूत कौन सी आयत हाँ एक वो आयत नहीं उस आयत को लेकर तो मुफस््रीन ने क्या, क्या क्या की बातें बोले कैसे कैसे बातें बोले बोला कि वो सब नहीं कि वो दो फरिश्ते थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे तो इसमें जितना सही है हम उसे मानेंगे तफसीर सादी में सही बातें उसकी हैं तफसर बयान आप पढ़ें या तफसीर सादी पढ़ें जो सही तफासिर उसके ताल्लुक से आए हैं आप वो पढ़ सकते हैं उसके बाद एक और चीज़ हमारे साथ है ये तो फरिश्तों की बातें हो गई तो फरिश्तों आ तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ <laughs> तो फरिश्तों की बातें ख़त्म हो गई इंशाल्लाह तफसील से हम पढ़ेंगे हदीसी ज़िब्रिल जब पढ़ेंगे तो फरिश्तों के ताल्लुक से फिर तफसील से पढ़ेंगे तो आपको एतक़ाद होना चाहिए यकीन होना चाहिए कि आपके साथ फरिश्ते हैं तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है कि हम वो अल्लाह के बंदे हैं जिनके लिए अल्लाह ने जंग के बदर में जंग बद्र में फ़रिश्ते नादिल फ़रमा दिए थे अच्छा अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब होता है ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा लगी हैं हम दावा में जाते हैं तो अल्लाह की किताबों का हवाला देते हैं कभी कुरान मजीद का हवाला देते हैं तो कभी अल्लाह की जो दूसरी आसमानी मुकद्दस किताबें हैं उनका हवाला हम देते हैं उन पर ईमान होना चाहिए तो सबसे पहले ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह की ये नाजिल करदा किताबें हैं ये किताबें क्या हैं अल्लाह ताला की ये नाजिल करदा किताबें हैं अल्लाह ताला ने इन किताबों को नाजिल किया है अच्छा एक सवाल आप लोगों से है आप लोग कैसे फ़ैसला करेंगे कि ये किताब वही इलाही है और ये किताब वही इलाही नहीं है शुब कुरान तो करेंगे लेकिन आप कैसे फैसला करेंगे कि ये किताब वही इलाही है ये किताब सारी किताबों को आसमानी किताबें नहीं बोल सकते आप अब तुलमुद है यहूदियों की किताब है और दूसरी किताबें हैं कैसे आप आप ये किताब ये लागे 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 हाँ जिन किताबों में तोहीद की बातें हैं आप उनको बोल सकते हैं जिन किताबों में शिरक है बेहुदा बातें हैं फ़हश और अरियानीत की बातें हैं उन किताबों को कैसे हम बोल सकते हैं कि ये आसमानी किताबें हैं उन किताबों को हम नहीं बोल सकते देखिए इसीलिए वो कहते हैं उसमें बयान की हुई सारी बातें सच्ची हों अल्लाह ताला की जो किताबें हैं उनमें जो बातें बयान की हों वो सच्ची हैं तो साथ ही उन आसमानों की भी अब उस उन आसमानी किताबों की भी आप सच माने जो कुरान से पहले नाजिल की गई जहाँ तक कुरान की गारंटी है अल्लाह ताला तो ने कुरान की गारंटी दे दी है कौन सी आयत में कुरान की गारंटी अल्लाह ने कौन सी आयत में दी मैं ये चाहता हूँ हमको उतना परफेक्ट याद रहना नज़लना निकरा व इन्ना, इन्ना लहू लहा हमने कुरान को तो नादिल किया है कुरान तो की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम पर है अल्लाह तो ने गारंटी दे दी है क़यामत तक क़ुरान भी बाकी रहेगी कुरान भी बाकी रहेगा कुरान पर अमल करने वाले भी बाकी रहेंगे उसकी दलील क्या है लातज़ा من उम्मती देखा एक महीना दर्श अगर बंद हुआ तो हमारा दिमाग के दरवाजे ही बंद हो गए तो من लताफुम बिन على الحق इसलिए कि कुरान कुरानियामत तक बाकी है तो कुरान पर प्रैक्टिकल चलने वाले भी क़ियामत तक क्या रहेंगे बाकी रहेंगे अल्लाह के नबी सही हदीस में बता दिया ला तजाइफ तुम बिन उम्मी वाहरीन आलहक लाबुरियामत तक इस दीन पर सच्चे दीन पर अमल करने वाला एक ग्रुप एक जमात बाकी रहेगी गालिब रहेगी कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई कुछ भी कह लेकिन उस पार्टी को कोई डैमेज नहीं कर सकेगा तो कुरान भी बाकी है अहल कुरान जो कुरान पर चलने वाले वो लोग भी बाकी हैं ये क़ियामत तक बाकी रहेंगे ला तज़ार तो मिन उम्मती उम्मती वाहरीन आदल हक उसके बाद ठीक है ये तो कुरान के ताल्लुक से हमारा तफसीली इल्म है हम जानते हैं कि कुरान में कितने पारे हैं कितने सूरतें हैं कितनी आयतें हैं कौन सी आयत कब नाजिल हुई कुरान कितनी मद्दत में नाजिल हुआ कुरान के कातिबीन कौन थे कुरान की आयतें पहले किस पर लिखी गईं ये सारी बातें हमको मालूम है लेकिन जो दूसरी किताबें हैं उस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है लेकिन वो इजमाली ईमान है तफसीली ईमान नहीं है नहीं थोड़ा इन ये किताब आसमानी किताब है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बाइबल में कितने पारे हैं आपसे पूछा सफ़र तकवीनी क्या है बाइबल के जो ये हैं वो पूरी चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा कि हम जैसे कुरान के अज्जा पूछे जाते हैं ये तीसवा पारा कौन सा है बीसवा पारा बाइबल के पारे आपसे नहीं पूछे जाएंगे हाँ ये मानते हैं बाइबल में जो बातें हैं वो उसमें जो सही है उसमें मस्त बातें नहीं हैं तो अल्लाह की किताब है उसके बाद एक और चीज इन्होंने बयान किया है रसूलों पर रसूलों पर ईमान लाने का क्या मतलब है आज ये बहुत जरूरी है हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन अगर बाहर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो अभी जो फितने शकीलीत जो आ रहा है तो कल भी मैं देवबंदियों के ग्रुप में देखा था के तो पूरी बस्ती की बस्ती उस फितने में पड़ गई समझा रहे हैं वो सामने वाला मानने को तैयार नहीं है अपनी दलील दे रहा उल्टा बाद में मालूम हुआ कि समझ गया है अल्लाह बेहतर जानता है तो ये फ़ितने शकीलीत वो हर जगह जा रहा है तो मैं ये क्या है इसका एक शॉर्ट वीडियो है मैं आपको भेजता हूँ आप इसको देखें आपकी समझ में आएगा कि फितने कैसे उठते हैं और यहाँ जो जिस सिटी में हम हैं यहाँ भी पढ़े लिखे लोगों में कादियानियत रिवाज पाती है कादियानियत का ज़ोर पकड़ता जा रहा है जो रसूलों पर ईमान लाने के बिल्कुल मुखालिफ है रसूलों पर ईमान लाने का मतलब है कि हम मानते हैं ख़ातमसरीन मोहम्मद अबी न सल अल्लाह वसलम के बाद अब कोई नबी क़्यामत तक हरगस नहीं आएगा ला नबी या बदी अल्लाह के नबी नबीसलम ने कह दिया इस बात पर ईमान लाना कि सारे रसूल जो थे वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे लक़्जाकुम रसूल मिनफिकम अजीज़ उनआल हिमान तुम हरी सुन आरे कुमिनी रऊफ़ुररीम अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा ये कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अमल रसूल अल्लाह की तरफ से आए ये बात आपको मालूम होना चाहिए चाहे उन अम्बिया के के बारे में चाहे जितने भी अम्बिया हैं आप जानते हैं मूसा आल्ल ईसा आलाम आदम आल्लाम इदरीस नूह ये जितने अम्बिया इब्राहिम आलाम और ख़ातमरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लासम इन तमाम लोगों के ताल्लुक़ से आपको नॉलेज हो के ना हो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यह अम्बिया किसकी तरफ से आए हैं अल्लाह की तरफ से आए हैं तो उनकी तरफ से अगर कोई हदीस आ जाए सही हदीस तो आपको मानना पड़ेगा कि यह हदीस सही है लेकिन सही सनत के साथ वो हदीस मालूम होना चाहिए तो कितने अम्बिया अल्लाह ताला ने भेजे हैं एक लाख बीस हज़ार एक लाख बीस हज़ार और भी बोलते हैं लेकिन हम लोग जानते नहीं अल्लाह ने जितने अम्बिया का जिक्र किया कुरान में चौबीस अम्बिया तीस पच्चीस अम्बिया वो तो हम जानते हैं और कुछ लोग हैं कुछ हैं दुल्किफल हैं या कुछ हैं जिनको लोग बोलते हैं अल्लाह बेहतर जानता है तो इसमें से अल्लाह ल्ला ने सारे अंबिया में से कुछ अंबिया को हाई प्रोफाइल उनको क्या बोलेंगे उलुल उलुल उलम का मीनिंग कैसे करेंगे अंबिया तो सारे के सारे तिलकर रसुल तबादबाग सारे रसूल अंबिया को अल्लाह ने भेजे हैं लेकिन उन रसूलों में से अल्लाह ने किसी को किसी पर क्या किया है फजीलत दी है तो उसमें से हाई प्रोफाइल कितने हैं पांच हैं वो तो हम जानते हैं पांच रसूल हैं नू आलाम है। इब्राहिम आसमाम मूसा आसमाम ईसी ख़ातमसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन उन पाँचों में कौन है मोहम्मद अन सैद उलद आदम वाला फ़खर मैं आदम के सारे बच्चों का सरदार हूँ इसमें कोई फ़खर की बात नहीं है तो वो कौन है तो इसीलिए हमने कहा कि अल्लाह के नबी के झंडे के तले सारे अंबिया रहेंगे आदम भी अल्लाह के नबी के झंडे के तले रहेंगे अरे इस वसलाम। वला वाला फखर इसमें क्या भी फखर की बात नहीं अल्लाह के नबी नबीसलम कह रहे हैं। तमाम अंबिया किराम में सबसे अफगल कौन है मोहम्मद इसी बात को लेकर कभी अल्लाह के नबी के ज़माने में ईसाइयों से मुसलमानों के बीच में किया हो जाता था वो ईसाई कहता था कि हमारे नबी सबसे अफजल हैं साहबा कहते थे नहीं हमारे नबी सबसे सर अफजल हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत कहो आ ऐसा मत कहो लेकिन ये बात अल्लाह के नबी ने कहा आना सैद उलिद आदम वाला फख्र इसमें कोई फख्र नहीं है कि मैं आदम के औलाद में सबसे सरदार हूँ इसी तरह एक और चीज़ जो इन्होंने बयान किया है योम आखिरत से क्या मुराद है आख़िरत डे ऑफ द जजमेंट ये तो है एक दिन आने वाला है ये दिन का ईमान है जो मुझे और आपको पाप से गुनाहों से बचाता है इसलिए कि आपको एहसास है कि एक दिन अल्लाह के सामने जाना है अगर उस दिन पर अगर ईमान नहीं है तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं कभी मैं Uh, कोई बता रहा था यूट्यूब में कुछ वीडियो छोटे बच्चे को दो मरतबा रोन के जा रहा है कार में आ? तो ये किस वजह से हो रहा है अल्लाह का डर नहीं अगर उसे एहसास होता कि हर चीज का बदला अल्लाह के पास जवाब देना है कभी जिंदा मछली को उठा के तवे पर डाल के तल रहे हैं बहरहाल जानदार को तकलीफ देना जायज नहीं अल्लाह के नबी से में मना किया है कि जिंदा ऊंट के पैर काटे ना जाए जिंदा जानवर का कोई आजू काटा ना जाए तो आपने चाइनीज लोगों को देखा होगा जिंदी मछली को तवे पर डाल के क्या कर रहे हैं तल रहे हैं बुला कि इसी जायज नहीं है तो लेकिन क्या नहीं है उनके पास कम्युनिस्ट दहर दहरिया है, इलाहा बेदीनी है अल्लाह का कोई तस्वुरी उनके पास नहीं है अल्लाह है इस तरह का कोई उनके माइंड में ही नहीं है वो जो चाहे कर सकते हैं तो मछलियों जानवरों के साथ ये करें यहां तो लोग इंसानों के साथ भी कर देते हैं किसी हामिला औरत का पीट शेर, पेट चीर दिया किसी को जिंदा जला दिया तो ये किस वजह से होता है अल्लाह का डर नहीं बस एक अल्लाह का डर आदमी को होना चाहिए जो ऐसे सारे इंसानी जराइम से उसको बचा सके आदमी बच सके जब अल्लाह का डर नहीं है तो जो चाहे आदमी कर सकता है आखिरत पर ईमान लाने से मुराद मरने के बाद दोबारा उठाया जाना वो ईमान उनके पास नहीं था वो लोग कहते थे अरे जब हम मिट्टी पत्थर हो जाएंगे तो कहाँ से उठेंगे वो लोग बोलते थे हिसाब व किताब अल्लाह ताला हिसाब लेगा तो हम लोग बार बार बोलते हैं तोसी भाई बोलते हैं यहाँ का रत्ती वहाँ का हत्ती बोलता है यहाँ का जो भी हम करेंगे वहाँ क्या होगा हत्ती बराबर हिसाब देना पड़ेगा यहाँ जो कुछ भी करो क्या देना पड़ेगा ऊपर जवाब देना पड़ेगा आदमी को होशियार रहना चाहिए सोचे रहना चाहिए जजा और सज़ा जजा और सजा है और जन्नत और जहन्नम पर देखा शॉर्ट में आपको मालूम है आखिरत पर ईमान लाने का मतलब जजा और सजा हिसाब व किताब और आपने कभी पढ़ा होगा कि सारे लोग जब चले जाएंगे तो जन्नत और जहन्नम में जाने से पहले उनको एक ब्रिज पर ठहराया जाएगा वो ब्रिज पर उनको एक दूसरे का हिसाब किताब चुकाने के लिए कहा जाएगा ताकि लोगों के दिल साफ हो जाए लेकिन ये गंदे दिल लेकर जन्नत में कोई नहीं जाएगा वहां जाएंगे तो भी यही बोलते रहेंगे इनों ऐसा करे मेरे साथ उन्होंने ऐसा करे इसीलिए अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि वो जन्नत में जाने से पहले उस ब्रिज पर क्या कर लो कसास दिला दिया जाए इसीलिए कहा कि अगर सींग वाली बकरी ने बेसिंग वाली बकरी को सींग मारी होगी तो उसके सींग पैदा किए जाएंगे ताकि वह अपना बदला ले लें जब जानवरों के बदले और इंतकाम का यह आलम होगा तो क्या इंसान छोड़ दिए जाएंगे इंसानों के साथ ये भी ये कार्रवाई होगी ताकि दिल साफ हो जाए उसके बाद एक सवाल हमारे साथ है कि कियामत कैसे क़ायम होगी अल्लाह बेहतर जानता है क़ियामत कैसे आएगी अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन अदीत में बताया गया कि अल्लाह के हुक्म से इसराफ़ी सलाम पहली बार सूर में फूंक मारेंगे तो सारी दुनिया फना हो जाएगी दुनिया में क्या क्या है बड़े बड़े ब्रिज बड़े बड़े होटल ये बंगले ये सारी जायदादें ये सारी शान व शौकत तहस नहस होकर रह जाएगी और सारे लोग बेहोश होकर रह जाएंगे आसमान और जमीन में जो भी है वो सब क्या हो जाएंगे बेहोश हो जाएंगे अल्लाह पर फिर दूसरी मरतबा जब सूर फूकेंगे तो लोग अपनी कबरों से जिंदा होकर उठेंगे कफन नहीं होगा नंगे बदन होंगे सब अपने खबरों से उठेंगे फिर हाँक कर उनको मैदान महसर की तरफ ले जाया जाएगा हांकना मतलब हाँका जाएगा मैदान महसर की तरफ ऐसे फरिश्ते रहेंगे जो उनकी आंखें नीली नीली होंगी और उस हाँक कर ले जाने की कैफियत कुरान मजीद ने बताई कान जरादुम मुंतशिर यानी ऐसे टिड्डे हैं जो फैले हुए टिड्डे एक जहत में उड़ते हैं को आपने देखा होगा छिडे जो उड़ते हैं जब एक ही बार उड़ते हैं तो इधर उधर नहीं जाते हैं पूरे मिलकर एक ही साथ ऐसे जाते हैं, कि बिल्कुल वैसे ही हशर की तरफ जाएंगे उसके बाद एक सवाल इसमें लिखा है कि मैदान क्या है अल्लाह पर मैदान हशर, हशर जिसमें सारे लोग जमा होंगे वो क्या होता है मैदान हशर के ताल्लुक से उन्होंने कहा मैदान हशर में क्या क्या काम होंगे मैदान हशर मैदान के माने मैदान है हशर जहाँ लोग जमा होंगे अल्लाह ताला ने कुर मजीद में सूरतुल हशर भी बयान किया नहीं हशर जहाँ वहाँ सारे लोग जमा किए जाएंगे और मैदान महशर में बहुत सारे काम होंगे मैदान महशर में हम लोग कितने साल ठहरे रहेंगे हाँ, पचास हजार साल वो एक दिन होगा अल्लाह वक्त पर हाँ? पाँच मिनट सब्र से किसी चेयर पर बैठना हमारे लिए मुश्किल है पचास हज़ार साल उस मैदान मशर में खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो होनी चाहिए क्या शुएब साहब कुछ तैयारी तो होनी चाहिए कि हमारे जिस्मों में इतनी ताकत है जिस्मों में बीमारियाँ हैं बेसब्री है गुनाह का बोझ है हम अकेले ठहरते तो कोई बात नहीं था हमारे पीठ पर वो गुनाहों का बोझ लादा हुआ तो वो बोझ अगर हल्का हो जाए तो चलो फिर भी लेकिन फिर भी वो जिनके पेटों में बड़े बड़े सुराख होंगे और फिर आदमी पसीनों में डूबा होगा पचास हज़ार साल वहाँ कैसे ठहरेंगे जहाँ लोगों के नाम अमाल दिए जाएंगे लोगों को नाम अमाल भाई पढ़ भाई तेरा नाम अमाल पढ़ ले आ? तो और फिर लोगों के अमाल तोले जाएंगे हमने जो कुछ अमाल किए हैं वो सारे तोले जाएंगे कभी हदीस में आता है कि आदमी को भी तोला जाएगा आदमी को भी तोला जाएगा और अल्लाह की इजाज़त से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़ारिश करेंगे सिफारिश करेंगे अल्लाह नबी के दिल में ऐसी तारीफ़ अल्लाह की डाल देगा अल्लाह के नबी इतनी तारीफ़ करेंगे अल्लाह ताला की अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए आ जाएंगे अल्लाह ताला नबी को हव कौसर अता करेंगे और लेकिन जैसे है कि सिरात पर से हर एक को गुजरना होगा वहां से वही मक़दिया। हर कोई वहां सिरात पर आएगा ऐसा पुल सिरात जो अहद मिन व अदक मिन शार वह ऐसा सिरात होगा जो तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक होगा और लाइटिंग भी तो नहीं होगी सूरज सूरज खत्म कर दिया जाएगा और वहां से चलेंगे तो सिर्फ अपना अमल होगा जो चमकेगा अपने अमल की रोशनी में जाएंगे कोई तेज रफ्तार घोड़े की तेजी से गुजरेगा कोई रेंगते जाएगा कोई उससे सुस्त जाएगा आ, अलग अलग कुछ लोग कट कर वहां से नीचे जहन्नम में गिरेंगे अल यादुबिल्ला आखिर में मोमिनों को जन्नत में और काफिरों को जहन्नम में भेजा जाएगा लेकिन जैसे हमने पढ़ा उससे पहले कहाँ ठहरना होगा एक ब्रिज पर खमतरा वहाँ ठहराया जाएगा लोगों को एक दूसरे का हिसाब लिया जाएगा इसी तरह जन्नत और जहन्नम पर भी ईमान लाना जरूरी है अलजन्नत वक़ उन्मन्ना और हक जहन्नम जन्नत एक हक है सच्चाई है जहन्नम एक सच्चाई है और जन्नत पर ईमान लाने का मतलब है कि जन्नत नेमतों का घर है जिसे अल्लाह ताला ने मोमिन और मुत्तकीन के लिए तैयार किया जन्नत लिल लिलमुत जन्नत किसके लिए तैयार की गई है मत्कीियों के लिए तैयार की गई और एक जगह अल्लाह कहा ला फिल फसाद मुत्तकीन जन्नत किसके लिए है उन लोगों के लिए है जो जमीन में बड़ापन नहीं चाहते हमेज हमेज के जो बोलते नहीं उनको अल्लाह जन्नत नहीं देंगे और फसादा फसाद का तो फसाद मचा को रहते नहीं? या बेजार कर लेको इधर का उधर उधर का इधर ऐसे लोग भी क्या कर नहीं करेंगे जन्नत में नहीं जाएंगे वाला फसादा तो फसाद का तर्जुमा एक्चुअल इंग्लिश करप्शन ऐसा कुछ करते हैं नी तो यहाँ एक और बात ऐसे इंग्लिश तर्ज में विजी है तो यहाँ ये यह और एक बात बताते हैं आ, और जहन्नम आदाब का घर है माँ किसी नाफी ही अबदा। हमेशा उसमें रहेंगे न मा हाँ और ये जिसे अल्लाह ने काफिरों वालिमों मुशरकों के लिए तैयार किया है और यहाँ परमानेंट रहेंगे परमानेंट रहेंगे और बाद में मोमिन जो क़लिमा गो हैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा अल्लाह ताला हम सबको जन्नत अता फरमाए जन्नत में हमेशगी अता फरमाए अल्लाह जहन्नम से बचाए रखे जहन्नम से बचने की दुआ आपको करना चाहिए अल्लाह के नबीम मरब के बाद खासकर दुआ पढ़ते थे नी जहन्नम से बचने की दुआ पढ़ते थे बहरहाल आप लोग हमारे भी लिए भी दुआ कीजिए हम आपके लिए भी दुआ करते हैं ये बहुत बहुत ऐसी चीज़ है जिससे कभी याद करके डर भी लगता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ये कोई सिर्फ़ दिखावा तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ ऊपर जाएंगे बहुत सारी उम्मीदें लेकर तो मामला उलट जाए लेकिन अल्लाह से हुसनदन रखें अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में जमा फरमाए तो इसके बाद जन्नत ये तो जहन्नम के ताल्लुक से हमने कहा लेकिन जन्नत के ताल्लुक से लोग कहते हैं कि जन्नत में हर किस्म की नियामतें हैं अल्लाह ताला आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला जन्नत में आप देंगे जन्नत में बहुत सारी नियामतें हैं जिनको न किसी आँख ने देखा होगा न किसी कान ने सुना होगा न किसी के दिलो दिमाग में उसका तस्वुर भी पैदा हुआ होगा कि जन्नत में नियामत ऐसी रहेगी ऐसी सारी नियामतें जन्नत में, जन्नत में। लेकिन जहन्नम ऐसी चीज है जहां मुख्तलिफ किस्म के आजाब लोगों को दिए जाएंगे हम लोग पढ़े हदीसों में हैं है हा? जहन्नम में खाने क्या दिया जाएगा पहनने के लिए क्या दिया जाएगा तारकोल का ड्रेस पहनाया जाएगा तारकोल बोले तो रोड़ा डालते नहीं उसका ड्रेस पहनाया जाएगा और खाने के लिए वो कड़वा फल दिया जाएगा जो हलक में अटक जाएगा ना अंदर जाएगा ना उगला जाएगा न निगला जाएगा और उसके बाद कहते हैं ऐसे ऐसी आग जो हड्डियों से गोश्त को अलग कर देगी तो बहर कैफ यू सर बिही माफी बुतोन वल जुलूद वलहुम उमिन हदीद और सर पर फिर हथौड़े मारे जाएंगे यु सर बिही माफी बुतों नम वल जुलूद उनके चमड़े और वो जलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, ये जहन्नम होगी अल्लाह ताला सबको बचाए और उसी के साथ साथ एक आज के आज हमारे आज, आज के ज़माने में जो समझने की चीज़ है वो तकदीर है आज हमारा ईमान तकदीर पर से क्या हो रहा है कमज़ोर हो रहा है जब भी हम दुनिया की रौनकें देखते हैं तो ज़रा दिल में यह होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है तकदीर का माना यह है कि अल्लाह तबारक ताला अपनी इल्म और हिकमत की बुनियाद पर सारी कायनात में पेश आने वाली चीज़ों का उसके पैदाइश से पहले ही अंदाज़ा लगाया है और उसी के मुताबिक सारी कायनात चलती है खलकल्ला मकदिर अलखला एक क़रा कमसी नलफसना अल्लाह ने पचास हज़ार साल पहले सब का राता लिख दिया है डिस्टनी अल्लाह ने लिख दिया है हम कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, क्या करेंगे सारी बातें अल्लाह ने लिख दी तकदीर पर ईमान लाने का मतलब क्या है तकदीर पर ईमान लाने का मतलब ये है कि हम ये अकीदा रखें कि अल्लाह ताला ने अपने और हिकमत के मुताबिक कायनत की हर चीज़ उसके वाक़ होने से पहले तय कर दी अल्लाह तारी चीज़ें तय कर दी हैं अल्लाह कभी आदमी सोचा मंजे ऐसा कहीं को बनाया अल्लाह अपने इल्म से से हिकमत बनाया जैसे बनाया वैसे बनाया हा? तो आप कोशिश कर सकते हैं अपनी लेकिन कोशिश भी वैसे ही करेंगे जो अल्लाह ने लिखा है हो सकता है बहुत सारी कोशिश के बाद भी आपको ना मिले हा? ये भी हो सकता है आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन नहीं मिल सकता ऐसा भी हो सकता है लेकिन अल्लाह पर उम्मीद रखें अल्लाह से दुआ करें तो इसीलिए कहते हैं तकदीर के कितने मरातब हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप अच्छी तरह समझ लें तकदीर के जो मरातब हैं स्टेजेस हैं पहली चीज़ आप फर्स्ट ऑफ़ आल आप ये सोचें हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला को है इसीलिए आप दुआ इस्तारा पढ़ते नहीं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्त बेलम का वदराती क्यों पढ़ते हैं अल्लाह में काम करने जाता हूं लेकिन इसका इल्म तेरे पास ये काम ये बिजनेस ये कोर्स मेरे लिए सक्सेस होगा कि नहीं होगा कौन जानता है अल्लाह जानता है हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला को है नंबर दो अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक हर चीज को लौहे लो, महफूज में लिख दिया है जो मेन रिकॉर्ड है अल्लाह ने हर चीज लिख दिया है ये शेख कब तक रहेंगे वो शेख कब जाएंगे हा? इन्हों कब तक जिंदा रहेंगे कहां लिख दिया अल्लाह ताला अल्लाह ताला लिख दिया लेकिन दुनिया जब तक मैं जिंदा हूं मैं परेशान होता च रहूंगा मैं परेशान नहीं होना तो का तो कहां जाना रामा रो वहां क्या भी मैसेज आ भी आएंगे नहीं कोई भी परेशान भी नहीं करेंगे हम लोग खुश होते रहेंगे नहीं लेकिन जब तक जिंदा हैं इसमें जान हल्ला को है लोग क्या करते रहेंगे हम ना परेशान करते रहेंगे परेशानी तो हम भाग नहीं सकते परेशानी से हम बच नहीं सकते हैं लेकिन इतना तो है हमको वे कि जब तक ये दर्द-दर्द यह होता है यह परेशानियां अभी हमारे पीछे लगी रहेंगी अच्छा तो इसीलिए कहते हैं कि लेकिन यह ऐसे होगा अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया है लिखा कि नहीं लिखा अल्लाह तला ने लोह महफूज में लिख दिया है लेकिन अगर ये दुनिया की जिंदगी में सही अमल नहीं करे तो वहां जाने के बाद भी परेशान वहाँ फिर अलग हिसाब से परेशान रहेंगे नहीं, तो लेकिन दो में से कोई एक तो हम क्या करना चॉइस कर लेना आपके अपनी मर्जी है आप और हम या दोनों जगह परेशान होना चाहते हैं या यहाँ परेशान हो कि वहाँ की परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप चॉइस कर लीजिए अगर अभी फैसला नहीं करे तो ये जिंदगी कैसा भी हाथ से गई यहां परेशान हैं छ हैं परेशान कर लोगों हैं हमें भी अंदर से परेशान लेकिन मरने के बाद भी परेशानी हमारा पीछा नहीं छूटी अगर वो छोड़ना है तो क्या करना अल्लाह ताला से ताल्लुक बढ़ा लेना अलबत् लोग परेशान कर ले को हैं उसे सोच लेना अच्छा तो एक चीज हमारे पास तकदीर का तीसरा मर्तबा क्या है हर चीज अल्लाह की मशीयत और इरादे के मुताबिक होती है जो भी होता है अल्लाह ताला की हर चीज का मतलब अब एक सवाल उन्होंने करें अच्छा किसी को कोई चोर चोरी करता है तो वो भी अल्लाह की मशीत और इरादे से करता है तो तकदीर पर ईमान लाने का नतीजा क्या होता है तो जैसे कहा तकदीर पर ईमान लाने से दिल को इतमान हो जाता है। ऐसा हुआ रंगा ऐसा मेरे खैर के लिए हुआ रंगा मोमिन सब्र करने वाला बन जाता है रब के फैसले पर राज़ी हो जाता है और खुद पसंदी का शिकार नहीं होता नहीं ऐसा नहीं मैं वैसा करा रहा तो ऐसा नहीं होता था इसमें सब जाता नहीं बता के हम लोग अल्लाह ताला यही हमारे हक़ में लिखा रहेगा कदर अल्लाह माशा व माफाल एक और चीज़ जिसका सवाल उन्होंने कहा कि बरज़ की जिंदगी क्या है यानी आदमी मौत के बाद की जो जिंदगी है मौत के बाद की जिंदगी उठाए जाने तक ये सब क्या है बरज़ी ज़िंदगी है ये इंसान जहाँ भी हो जिस हालत में भी हो अगर मर गया है घर वालों ने कब्रस्तान में दफन कर दिया वो ख़बर में है बरसी ज़िंदगी समंदर में डूब गया मछलियों ने खा लिया मछलियों के पेट में है तो बरसी ज़िंदगी में है अगर जल गया और हवा में राख राख कर दिया गया तो वो बरसी ज़िंदगी में है जहां भी हो जैसे भी हो उसे जिंदा किया जाएगा और फिर उससे सवालत किए जाएंगे कोई नहीं बचेगा उसके बाद फितनाए ख़बर है इसीलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह जिंदगी के फितनों और मौत के फितनों से बचा जिंदा रह तक फितने हैच हैं मरे बाद क्या फितने मरे बाद के फितने हैं मर्रबू का व दीनों का मन नबीयू का खबर में हम आज़माए जाएंगे खबर में सवाल किया जाएगा तेरा रब कौन है तेरा नबी कौन है तेरा दीन क्या है उसके बाद मोमिन बंदा है वो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है मेरे नबी मोहम्मद है सारे जवाब देगा तो उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने लिखा लेकिन जो ये है वो कहेगा आ हा हा लादरी नहीं जानता मैं क्या पूछते मुझे मालूम नहीं जाव़। तो मैं क्या जवाब देता हूँ उसके बाद एक और चीज इन्होंने यहाँ लिखा है कि हमने इससे पहले भी आपसे कहा कि ला इला की कुछ शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करना जरूरी है सबसे पहले नॉलेज यकीन इखलास मोहब्बत इनकियाद ये सारी चीजें हैं हम लोग किताब ही पढ़ चुके हैं ला इला के शरूत क्या हैं इन शर्तों के बग़ैर ला इंसान को कोई फ़ायदा नहीं देगा अल्लाह ताला हम सब को इन सवाल के समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी दे इन श्ला बरागला दर्स हमारा मंगल के दिन है तो हम हदीसे जबरील का किताब का आगाज़ करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि वक्त पर पहुँच जाएँ अल्लाह ताली के दीन का इल्म है जो हमें जन्नत इससे आता हो सकती है दुनिया कैसे भी गुजरे जन्नत में इन शाला हमें अल्लाह ताला ज़रूर अपने नमतों से नवाजेंगे अल्लाह ताला हम सबको अपनी जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए आमीन असलम आलकम वाला